इंटर परीक्षा की दूसरी पाली में सोमवार को वाणिज्य संकाय के बिजनेस स्टडीज की परीक्षा बेहद ही मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ संपन्न हुई। बाहर निकलते ही परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में दिखे। वो खुश भी थे और थोड़ा परेशान भी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? निफ्ट कॉमर्स क्लास के संचालक तब्रेज आलम ने इस पर क्या कुछ कहा और परीक्षार्थी क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इतना पढ़े हुए थे, सारा क्वेश्चन आया और खुद से भी लिखे और ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी था और सब्जेक्टिव भी बहुत क्वेश्चन अच्छा था। पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि प्रश्न का पैटर्न काफी अलग था। इस बार बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया था तो काफी अलग तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव को थोड़ा बोर्ड ने टफ कर दिया, सब्जेक्टिव को दो नंबर वाले को और टफ कर दिया और पांच नंबर वाले को इजी कर दिया। पढ़ने वाले के लिए कोई टफ नहीं होता है क्योंकि पढ़ के आए थे तो सब कुछ इजी लगा और सारा कुछ बनाई। आसान कौन सा चैप्टर लगा आपको ये पूरे एग्जाम में सबसे आसान जो लगा क्वेश्चन? बीएससी में सबसे आसान कौन सा लगा चैप्टर? चैप्टर जो ऐसा पूछा गया हो कि जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, चैप्टर मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। मैनेजमेंट कोई खास चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि हम लोग का टीचर लोग पहले ही बता देते किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप का पैटर्न आएगा। विभिन्न तरीकों से देखा गया है कि कई सब्जेक्ट में बच्चे काफी परेशान थे पैटर्न को चेंज लेकर, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, हम जिस हिसाब से पढ़ के आए थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम गया, मतलब बहुत इजी गया है बोल सकते हैं। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया हो? सबसे ज़्यादा तो पूछा गया मैनेजमेंट की तरफ से बोल सकते हैं, जितना मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उस सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ। और ये इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे जो हो गया, मार्केटिंग ये सबसे, वो सबसे भी था, मतलब बोल सकते इक्वल वेटेज था। क्या नाम हुआ आपका, किस कॉलेज से? मोहम्मद इमरान नाम हुआ, सीएम कॉलेज। आज कॉमर्स का आज पहला सब्जेक्ट जो कि बीएससी का आपका एग्जाम था, किस तरह का प्रश्न आया था इस बार? इस चैप्टर से बिजनेस स्टडीज के सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और फोकस किया गया क्वेश्चन पे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ज़्यादा पूछा गया है। विभिन्न तैयारी जब आप लोग कर रही थी उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की आपसे कितनी तैयारी की थी? आपका नाम? एक्स्ट्रा में रखा, एक्स्ट्रा में था आपका। ये किस प्रकार के प्रश्न आए थे इस बार आपके बिहार के 12वीं के, किस टाइप के प्रश्न थे? अगर आपको प्रश्न अगर हम बोलें कि टफ था, बहुत आसान था या बहुत ही टफ था, बनाने में काफी दिक्कत हो, तो क्या चुनेंगे आप? बहुत आसान था। अब ऑब्जेक्टिव का भाग ज्यादा टफ था या सब्जेक्टिव का भाग ज्यादा टफ था? ऑब्जेक्टिव का भाग अलग था। बीते कई सालों में देखा गया है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा का जो पैटर्न था वो काफी चेंज था। इस बार जो है परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ था, काफी सारे बच्चे परेशान थे इस चीज को लेकर, उसको आप क्या बोलेंगे? लेकिन वो एग्जाम अच्छा है। नाम? विष्णु कुमार सर। किस कॉलेज से? कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा गया। 100 मार्क्स का एग्जाम मतलब गया। अच्छा गया। 100 में से कितने आपको आ जाएंगे? मेरे हिसाब से, हम अपने हिसाब से जो पूरा 100% दिया है, अब टीचर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से कॉपी को चेक करते हैं। पिछले कई वर्षों से जो एग्जाम हो रहा था काफी अलग हो रहा था, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी दे दिया जा रहा था कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए, तो इस बार उल्टा कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव को टफ कर दिया गया है? ऑब्जेक्टिव तो टफ नहीं कह सकते, हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये है कि मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग को 50 बनाना है तो वो अच्छा ही है, और बाकी ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के हैं, अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो सब कुछ बनाएंगे। आपका नाम? नौशीन। कॉलेज? सी मार्स कॉलेज। बिजनेस स्टडीज का था, तो कैसा गया एग्जाम आपका? कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आसान लगा, दो नंबरी की आपका 5 नंबरी? देखिए भैया वो तो मतलब पढ़ने पे डिपेंड है, जो जो आपके पास जानकारी हो वो तो आसान लगेगा ही, तो मैं मेरे लिए आपके लिए आपके लिए तो दोनों ही आसान था। दोनों ही आसान था कि मैनेजमेंट के चैप्टर, प्रबंध के चैप्टर से बहुत ज्यादा, विपणन के चैप्टर से भी पूछा गया, बहुत सारे चैप्टर से पूछा गया, लेकिन इन दोनों से बहुत ज्यादा पूछा गया। हम लोग स्टडी कर चुके हैं कोचिंग वोचिंग में तो कॉलेज वॉलेज में, तो मतलब सब कुछ जानकारी था। अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा रहा? प्रबंध के बारे में और विपणन सब के बारे में।
अच्छा 70 में से इस आज जो एग्जाम था उसमें कितना नंबर उठा सकते हो? 50 तो ऑब्जेक्टिव करेक्ट है मेरा। अच्छा बिहार बोर्ड आप जो दे जो आसान आसान चैप्टर रहा होगा कुछ जैसे बताओगे जो बहुत हार्ड रहा होगा तुम्हारे पास जो सवाल हार्ड लगा हो इस तरह कोई सवाल में। हाँ वैसे तो नहीं था लेकिन एक दो हो जाता वो मतलब लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन हो जाता उसका आंसर देने में मतलब डिफिनेशन सब देने में हो जाता है। ओवरऑल कह सकते हैं एग्जाम अच्छा गया आपका? बहुत बेटर। अच्छा क्या नाम हुआ? मेरा नाम किस्मत रॉय है। कहाँ कौन से कॉलेज से हैं? सीएम कॉलेज दरभंगा। ठीक तो बैलेंस्ड क्वेश्चन था, अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई किया होगा तो बेहतरीन क्वेश्चन करके आए होंगे स्टूडेंट। नॉर्मली देखा जाए तो लगभग हर चैप्टर से बैलेंस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा अंदाज बोर्ड ने बदला है और बेहतरीन किया है। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन आया है कि मैं कहूँ अगर कि हमने अपने नोट्स में बच्चों को 34 क्वेश्चन हमने दिया था, बच्चों ने रिप्लाई दिया कि वो 100% क्वेश्चन नोट्स से है और कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा हमें थोड़ा सा था। इतना के बावजूद मैं कहूँगा बैलेंस्ड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बस उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड इसको ढंग से कॉपी को चेक करके बच्चों को उसके अकॉर्डिंग नंबर अगर दे तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कह सकते हैं कि नहीं एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं, लगभग बैलेंस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था। पिछली बार भी लगभग ऐसा ही था। इसमें नॉर्मली देखा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, नेट में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, अगर आप ये ध्यान देंगे कि पिछले 10 साल को क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 10 साल के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा 10 साल के क्वेश्चन को कर ले तो वो ईजिली उसको कर सकता है, इसलिए नॉर्मली हमने इन क्वेश्चन को भी बच्चों को करवा दिया था। अपने नोट्स के अलावा मॉडल टेस्ट पेपर से भी करवा दिया था और बच्चों को मैंने गारंटी दिया था कि कल भी मैंने बच्चों को एक क्लास लिया था परसों नाइट में, तो मैंने गारंटी दिया था कि एकदम टेंशन नहीं लो, 30 में 15 करना होता है आपको 30 में 25 आ रहा होगा और 8 में 4 क्वेश्चन करना होता है, 100 नंबर का होता है ये बीएसटी जो कि इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो 100% बच्चे ने 100% क्वेश्चन बना के आए हैं। बच्चे ये कन्फ्यूज थे कि हम कौन सा क्वेश्चन बनाए और कौन सा छोड़ें। तो आपके हिसाब से सर इस बार लगभग दरभंगा में खास करके आपके कोचिंग संस्थान से कुछ ऐसे बच्चे भी हमें देखने को मिलेंगे जिन्हें 100 में 90 से अधिक अंक मिलेंगे? श्योर, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100 में मतलब 90 प्लस लाने वाले बच्चे हमारे पास कम से कम 70 बच्चे होंगे इस बार। एटलीस्ट बड़ा ऐलान कर रहे हैं हमारे माध्यम 100%। जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग फिर एक बार बात करेंगे। तो 100 में 90 अंक लाने वाले कितने बच्चे होंगे? 70 प्लस स्टूडेंट होंगे। सर बच्चों का आज कहना था कि मैनेजमेंट चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। क्या इस बार बोर्ड पूरा ध्यान मैनेजमेंट ही पे लगाया है? देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना कि बिजनेस स्टडीज है ही मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट, तो मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। लाइक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 5 फंक्शंस अगर देखते हैं तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, यहीं पर अगर आप क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे ना तो 30 क्वेश्चन तो यहीं पे डिज़ाइन हो जाएगा, है ना, कि प्लानिंग किसे कहते हैं, है ना, या स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, प्लस ये भी आप यहाँ पर प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो अल्टरनेटिवली मैनेजमेंट ही चूंकि पेपर है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से तो आने ही थे। बिल्कुल नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस जो हमारे बच्चों के साथ है वो सभी क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत खुश हैं। कुछ बच्चे ने तो जस्ट 5:02 से ही हमें फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ओवर एक्साइटेड थे। ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा नहीं था डिफरेंट, मैं आपको बताऊं 100% ऑब्जेक्टिव रिपीटेड था, मतलब जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन या जब से ये फॉर्म आया ना ये कोरोना पीरियड से, जब से ये MCQs 100 मार्क्स के होने लगे तब से लगभग उसी से क्वेश्चन था।